अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस के लिए आपको चाहिए 1 कप कैरेट यानी कि गाजर, 1 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप बंद गोभी, 1 कप आपको चाहिए पीस यानी मटर, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। 4 to 5 पीस मैंने चिकन के लिए हैं, आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप आपको चाहिए सोया सॉस, 1/2 कप आपको चाहिए ऑयल, 1/2 कप ही आपको चाहिए ऑनियन। ये 3 eggs हैं, मैंने 3 eggs के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल के इनको मिक्स। मैंने 1 teaspoon स्प्रिंग ऑनियन लिया है, 1 chicken cube लिया है, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है, 1 tablespoon मैंने ब्लैक पेपर लिया है काली मिर्च का पाउडर, और मैंने 1 tablespoon चाइनीज सॉल्ट लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट। मैंने 1.5 cup राइस बॉईल करके रख दिए हैं। मैंने ऑयल में ऑनियन डाल के इसको फ्राई किया है, इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम इस ऑयल में अपना एग फ्राई कर लेंगे। अब हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हमारा चिकन टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गाजर, हम डालेंगे इसमें अब मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, स्प्रिंग ऑनियन। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन क्यूब, चाइनीज सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस। हमने सारी स्पाइसेस डाल दी हैं। अब हम इसको 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि हमारी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो। ये देखें, हमारी सारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे। राइस को मैंने एक्चुअली हाफ कर लिया था, मैं हाफ हाफ करके इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं अभी हाफ राइस डालूँगी, इसको फिर मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें हाफ राइस और ऐड करूँगी। हमारे चिकन फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। हमारे चिकन फ्राइड राइस रेडी हैं, आप इसको मिंट चटनी के साथ दे सकते हैं। मिंट चटनी की रेसिपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।